नमस्कार, आपकी आपके परिवार के किसी सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और क्योंकि पेशेंट में हल्के लक्षण हैं या फिर वो लक्षण रहित हैं, इसीलिए डॉक्टरी जांच के बाद पेशेंट को होम आइसोलेशन की इजाजत दी गई है। पेशेंट परिवार के अन्य सदस्यों से दूर ही रहे, इसीलिए अगले 10 दिन तक पेशेंट को एकदम अलग कमरे में ही रहना होगा। कोशिश करिए कि कमरा ऐसा हो जिसमें खिड़कियां हो। पेशेंट हमेशा 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क या N95 मास्क लगाकर ही रखें। हर 8 घंटे में मास्क जरूर बदलें। अपने परिवार में से किसी एक स्वस्थ और समझदार व्यक्ति को केयरटेकर के रूप में चयनित करें। पेशेंट के पास जाने से पहले मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। जहां तक संभव हो पेशेंट से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप एक होम आइसोलेशन किट बना लें जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, काफी सारे 3 लेयर सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, ग्लव्स, ब्लीच सॉल्यूशन, सैनिटाइजर और एक ढक्कन वाला कूड़ेदान हो। पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को नियमित रूप से मॉनिटर करें और थर्मामीटर से नियमित रूप से चेक करें। केयरटेकर पेशेंट के बर्तन और कपड़े आदि एकदम अलग से गर्म पानी और साबुन से, हाथों में डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर ही धोएं। रोज पेशेंट के कमरे की सफाई ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करें। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए आपको विशेष सतर्क रहना है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीमीटर में SpO2 94% से कम होना, सीने में दर्द होना, मानसिक उलझन या बेहोश होना, बोलने में दिक्कत होना, कमजोरी होना, चेहरे या होंठ का नीला पड़ना, बुखार या कोरोना का कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। होम आइसोलेशन की अवधि: COVID-19 पॉजिटिव मरीज में जांच का सैंपल लेने की तारीख से 10 दिन बाद तक COVID-19 के कोई लक्षण न दिखाई दे, आखिरी 3 दिन लगातार बुखार भी ना आए तो होम आइसोलेशन को समाप्त किया जा सकता है। होम आइसोलेशन का समय समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हमारी यही कामना है कि आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहें।